जितनी उसके अंदर ऊर्जा होती है, जितनी एनर्जी होती है, वो इन 20 सालों में खपत करता है, तब जाकर के नेशनल काउंसिल तक पहुंचता है। और 2-3 साल नेशनल काउंसिल में काम करने के बाद हमारी पार्टी की कौन सी विडंबना है या परेशानी है, उसको सीधे उसके बाद सीधे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है। उसके पूरे 20 साल के जो एनर्जी है, जो मेहनत है, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके वो आदमी काम करता है, सबसे संपर्क बना के रखता है, लोकप्रिय नेता होता है, उसको हम नेशनल या स्टेट में देने के बजाय जिले में भेज देते हैं। वो फिर 20 साल मेहनत करेगा, तब जाकर के जिले से राज्य तक आ पाएगा और इसी बीच उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर हमारे साथ इस तरह होगा तो हमारे पास नेताओं का टोटा नहीं होगा तो क्या होगा? मैं माफ कीजिएगा, मैं मध्य प्रदेश में ही नेताओं का संकट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी में नौजवान नेताओं का संकट है। क्योंकि जितने नौजवान नेता आए, सब 2-3 साल के बाद उनको वापस उनके जिले में भेज दिया गया और वो कहीं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, कहीं असिस्टेंट सेक्रेटरी बन करके काम कर रहे हैं। कॉमरेड, हमने रिकमेंडी मध्य प्रदेश पार्टी देखी, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ कॉमरेड, तो ये जो बातें हैं मध्य प्रदेश की बात करें कॉमरेड, राज्य सचिव की बात छोड़ दें, आपने रिपोर्ट बनाई है, आपने रिपोर्ट में बखूबी आकलन किया है कि हम क्या खोए, क्या पाए, क्या कमियां, क्या नुकसान, लेकिन नुकसान तो आपने दिखाया, लेकिन मध्य प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी खासतौर से जिला परिषद सिंगरौली को 2-3 उपलब्धियां मिली जो कम्युनिस्ट पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सम्मानित हुई, चाहे विरोधी बीजेपी कांग्रेस भले ही रहे हो, पर उन्होंने भी इस बात का लोहा माना कि कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई की वजह से कुछ अच्छे काम हुए, वो हमारी रिपोर्ट में नहीं। जैसे एक बड़ा काम हुआ, अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें राजपत्र में आया कि बरगमा को नगर पंचायत बनाने की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सिंगरौली ने शुरू की थी और अंततो गत्वा वो अभी 1 महीना पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और बरगमा को नगर पंचायत बनाने का दर्जा मिला। कोरोना काल में जब इस सरकार ने चारों तरफ गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सिंगरौली ने लगातार संघर्ष करके बरगमा से कटनी तक की मेमो ट्रेन चलवाई, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की उपलब्धि थी, उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको हमने नजरअंदाज किया। और भी कुछ इस तरह के काम है, मैं व्यक्तिगत सिंगरौली की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा, इसके बाद मैं अपने सीधे प्रस्ताव पढ़ाऊंगा। हम लोगों ने पिछले 15 सालों में क्या किया है, नहीं किया है, हम एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते उठाते, पर कॉमरेड प्लीज आपसे गुजारिश है कि अगर 2 उंगली किसी दूसरे की तरफ उठती है तो 3 उंगली आपकी तरफ उठती है, अपने भी गिरेबान में झांकने का प्रयास करें कि हम अपने अपने जिलों में कितना बेहतर काम कर रहे हैं। उससे अगर पार्टी नहीं बढ़ेगी तो माफ कीजिएगा, इन मंचों पर भाषण देने से या नए सुझाव देने से, जब तक वो सुझाव जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे तब तक कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ हो नहीं पाएगा। जिस पेड़ की जड़ें खोखली होंगी तो हरा पत्ता कहां से होगा? जिस पेड़ की जड़ें खोखली होंगी वो हरा पत्ता कहां होगा? माफ करना साथियों, ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। हम अगर कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। अभी हमारे बहुत सारे साथी पिछले 3-4 चुनाव में, मैंने विधानसभा भी लड़ा, लोकसभा भी लड़ा, कॉमरेड हरिद्वार सिंह भी चुनाव लड़े, केसकली भी लड़े, तमाम चुनाव को हमने फेस किया। जनता के सामने जाने के बाद क्या सवाल उठ करके आता है? हमारे ऊपर कांग्रेस की बी टीम होने का सीधा सीधा ठप्पा लगा हुआ है। जनता ये कहती है कि आप किसी भी चुनाव में आप जो है 2 सीट 3 सीट 1 सीट चुनाव लड़ते हो और लास्ट में जाके कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हो, तो आपको वोट क्यों, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे? अगर आप जनता को विकल्प देना चाहते हो तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट ग्रुप में आप पूरे मध्य प्रदेश में ये चैलेंज करो, मेहनत करके 4 साल बाद 5 साल बाद चुनाव की तैयारी करके आप क्यों नहीं जाते हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, 52 जिलों में अपनी पार्टी यूनिट बनाएंगे और जिले से लेकर के बूथ लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे? क्यों नहीं हम 5 साल तैयारी करें, मेहनत करें और 5 साल के बाद हम दावा ठोके कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के विरुद्ध एक विकल्प तैयार करेंगे? हमें नगर पालिका में भी चुनाव लड़ना है, पंचायतों में भी चुनाव लड़ना है, कहां कौन देगा आपको वोट, और वोट क्यों दे? लोगों का सीधा कहना रहता है कि ना तो आप सरकार बनाने की कुवत रखते हो, ना सरकार बिगाड़ने की कुवत रखते हो, आप वोट कटवा हो, नाम दिया लोगों ने, सैकड़ों जगह हम लोगों ने फेस किया, लोगों ने चैलेंज किया कि आप लोग वोट कटवा हो,
अगर हमें जिंदगी भर वोट कटवा ही बन के रहना है तो फिर मेरे ख्याल से ख्याली पुलाव नहीं। अगर हम वास्तविक रूप से समाज में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो बूथ से लेकर के पंच से लेकर पार्लियामेंट तक की तैयारी करनी होगी साथियों, तभी आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो सारी मेहनत, सारा ऊर्जा, सारी एनर्जी खपा खपा के बहुत सारे लोग चले गए, हम लोग हैं आगे वाले दिनों में चले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद साथियों। अब मैं अपना एक प्रस्ताव है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, कहने को तो हमारा देश युवाओं का देश है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन सब एक ही नारा देते कि ये युवाओं का देश है, भारत देश हमारा युवा। लेकिन इस युवा भारत देश में